ठीक है, चैप्टर नंबर 12। अब इसका थोड़ा सा व्यू रखना, थोड़ी देर यही ध्यान रखना, सब पुरानी चीजें भूल जाएं, वेव वगैरह, ड्यूल नेचर वगैरह, वो सब थोड़ी सी देर भूल के चैप्टर का व्यू रख रहे हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, फिर एक एक टॉपिक पढ़ेंगे जो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन पहले, उससे पहले वही पिक्चर क्या थी, इसमें क्या है क्या नहीं है, वो थोड़ी सी बात कर लेना। देखो, एटम की बात करें तो एटम में सबसे पहले जो अपने भाई साहब आए थे वो थे जॉन डाल्टन। डाल्टन भाई साहब जो थे, उन्होंने बोला, चैप्टर आपके यहाँ से स्टार्ट नहीं, आपके तो शायद रदरफोर्ड से स्टार्ट होएगा। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग थोड़ा सा व्यू रख रहे हैं अपन। सबसे पहले जॉन डाल्टन भाई साहब जो आए, उन्होंने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज फर्दर नॉट डिविजिबल, उसको आगे तोड़ नहीं सकते, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये के दिया उन्होंने स्टेटमेंट, जो था तब तक नहीं टूटा जब तक तो करेक्ट था। लेकिन उसके बाद में जो आए थे वो थे जे जे थॉम्सन। जे जे थॉम्सन ने उस पार्टिकल्स के अंदर उसको ब्रेक किया। पहले तो डॉल्टन, एक एक के छोटे छोटे नाम लिखेंगे, डॉल्टन, जॉन डॉल्टन भाई साहब ने बोल दिया नॉट डिविजिबल, इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। इट इज अ मतलब एटम, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो आप लिख लेना स्मॉलेस्ट। यहाँ चैप्टर स्टार्ट है भी नहीं। इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज नॉट डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्टिकल्स, या इसको आगे ब्रेक नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जे जे थॉम्सन, अब जे जे थॉम्सन आए, इन्होंने तोड़ तो दिया। अब तोड़ने के बाद ये तो फेल, तो इसलिए तो याद किया ही नहीं जाता है, जो फेल हो गए उनको कौन याद करता है, जो पास हुए उनको याद करो, पास में भी जो रैंकर्स हो उनको जल्दी है याद है, याद तो किया जाता है ना। लेकिन उन्होंने ये तो कुछ तो कहा था, जैसे कुछ हैं कहते हैं कि सर हम टॉप 10 में आ जाएंगे, और फिर बाद में उनके कुछ बातें याद रह जाती है, फेल हो जाते हैं। याद तो किया जाता है, ऐसा नहीं, सबको याद किया जाता है, फेलियर्स को भी किया जाता है। प्लम पुडिंग अभी आएगा, प्लम पुडिंग रुक जाओ। पहले जे जे थॉम्सन ने कहा कि पॉजिटिव, इन्होंने क्या बोल दिया, तोड़ा उसको, ये एटम है, एटम को तोड़ा, लेकिन इन्होंने तोड़ने के बाद ये बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो, और नेगेटिव, भाई उन्होंने कहा टूट गया, तो सब यही पूछेंगे टूट गया तो बताओ क्या क्या है अंदर। भाई तोड़ने के बाद यही तो पूछेंगे ना, टूट गया ऐसे तो मैं ही बोल दूं मैंने तोड़ दिया, अब तोड़ने के बाद मुझे क्या देखा अंदर बताओ। उन्होंने जो देखने की बात थी, उन्होंने ये बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज तो स्पीड आउट है, और नेगेटिव चार्ज उस नहीं, हाँ ये नेगेटिव चार्ज बीच बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। उन्होंने जैसे ही ये बोला कि पॉजिटिव चार्ज वे जैसे फैला हुआ है, स्प्रेड आउट है, और नेगेटिव चार्ज बीच बीच में प्रेजेंट है, दूसरे वाले जो जले बुझे थे उन्होंने पहले ही ऑब्जेक्शन उठा दिया, पागल समझा है। पागल समझा है, पहले तो बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और नेगेटिव बीच बीच में प्रेजेंट है, पॉसिबल है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, तो वो फैला हुआ हो ही नहीं सकता, वो तो क्लोज सरफेस बनाना चाहिए, फैला हुआ कैसे हो सकता है, वो एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर जनरेट करता, आपका स्टेटमेंट तो गलत है। बस अब वो सोचते सोचते
और क्या, बस उन्होंने ये जरूर बोल दिया था कि एटम ब्रेक होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उनके अरेंजमेंट की जो थ्योरी थी वो फैला हुआ है, वो ऐसा कुछ नहीं मान सके क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन लगता और वो क्या हो जाता, क्लोज स्ट्रक्चर जनरेट होता, लेकिन इन्होंने इतना तो किया था कि उसको ब्रेक कर दिया। मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात तो आ चुकी थी, अब उनके अरेंजमेंट की बात थी कि वो कैसे कैसे अरेंज होंगे। तो और इन्होंने जो ये स्ट्रक्चर जनरेट की, इसको नाम देते हैं पल्म पुडिंग प्रिंसिपल। इन्होंने मॉडल जो नाम दिया, 1 मार्क्स में वही क्वेश्चन होता है, एक तो पल्म पुडिंग मॉडल या प्रिंसिपल। और पल्म पुडिंग मॉडल का मतलब कुछ नहीं था, जैसे अपने राइस होते हैं, राइस में बीच बीच में दाने होते हैं, या तरबूज ले लो अपने, तो उसमें जैसे बीज होते हैं, वैसे वहाँ की फॉरेन कंट्रीज की एक डिश होती है, उस डिश में बीच बीच में राई के दाने जैसे ऐसे कुछ होते हैं। तो उन्होंने उसी की बात की थी कि ये तो पॉजिटिव है, और वो सब्जी जो अपन खा रहे हैं उसके बीच बीच में ही आलू के गुट्टे पड़े हुए हैं, ठीक है। वो उनकी लैंग्वेज में, वो फॉरेन कंट्रीज के हिसाब से उन्होंने वो पल्म पुडिंग प्रिंसिपल या मॉडल नाम दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में जब वाटरमेलन लाइक, अरे यार सब आ गया, हो तो वाटरमेलन भी आ गया, लेकिन उसको बोलूं तो फिर वो मजा ही खत्म हो जाता है, जो आलू की सब्जी में गुट्टे पड़े हों। उसके बाद आए थे अपने पास, अब अरेंजमेंट की बात थी, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यहीं से चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन इससे पहले मैं व्यू रख दूं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहले नहीं करेंगे। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अब ध्यान दो बेटा, पहले बाद में लिखते रहना। अरेंजमेंट की, पहले तो बोला कि टूटा नहीं, दूसरे ने तोड़ दिया, थॉमसन भाई साहब ने उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद आए उनको पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बता दिए, लेकिन उनके अरेंजमेंट की बात नहीं हो पाई थी। रदरफोर्ड ने, वैसे रदरफोर्ड ने नहीं किया था, नाम उनका आता है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट नहीं है वो, एक्सपेरिमेंट है गीगर और मार्सडन का। लेकिन जैसे ही हायर स्टडी करते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, तो वो किसी गाइड के अंडर में करना होता है, जो गाइड इंस्ट्रक्शन देगा वो करते हैं स्टूडेंट्स। तो वो थे स्टूडेंट्स ग्रीगर और मार्सडन, लेकिन उनके गाइड कौन थे? तो गाइड का नाम सबसे पहले पेज पे आता है, थीसिस वगैरह बनानी होती है, फाइल वगैरह जनरेट होती है, तो पहले गाइड के अंडर में। तो गाइड, इन्होंने बोल दिया ऐसा एक्सपेरिमेंट करके आओ, किए उन्होंने एक्सपेरिमेंट सब, उन्होंने ग्रीगर मार्सडन ने किया था, लेकिन पूरा इन्होंने बोला करा तो इनके पास ही है, तो फैकल्टी तो यही थी, तुम रिजल्ट अच्छा दे दोगे तो क्रेडिट मेरा है, बुरा दे दिया तब भी क्रेडिट मेरा है, तो वही होता है, पढ़ना तुम्हें, रिजल्ट तुम्हें देना है, वही चीज थी। प्रैक्टिकल उन्होंने किया, लेकिन जिन्होंने कहा उनका नाम तो था ही से। तो रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने देखा कि पॉजिटिव चार्ज, मतलब अल्फा पार्टिकल किया था, पूरे की बात बाद में करेंगे, पहले केवल शॉर्ट में देख रहे हैं, एक व्यू रख रहे हैं। अल्फा पार्टिकल आया तो ये बीच में से वापस रिट्रेस हो गया, कुछ थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे, तो इन्होंने ये बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है और नेगेटिव उसके अराउंड ऐसे घूम रहा है। वो पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक शॉर्ट व्यू रख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, ये बोल दिया। अरेंजमेंट की बात थी, यहाँ तक तो अरेंजमेंट पे आ चुके थे, अब अरेंजमेंट की बात थी, तो इन्होंने बोल दिया कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रेगुलर उसके अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो दूसरों ने जैसे ही थ्योरी पढ़ी तो यही था कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसके पास एनर्जी कहाँ से आएगी, कब तक मूव करेगा, क्या हायर स्टेट में जाएगा तो एनर्जी उतनी ही होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सब थी। तो फिर रदरफोर्ड ने ये बोल दिया कि वो मूव कर रहा है, करते करते एनर्जी लॉस करेगा, और लॉस करके किस में आ जाएगा, न्यूक्लियस में, भाई सेंटर में, बीच में उन्होंने जो पॉजिटिव चार्ज था उसका नाम दे दिया न्यूक्लियस।
जब न्यूक्लियस था तो उन्होंने बोल दिया ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, अब एनर्जी कहाँ से आई, ये तो उनके पास था नहीं जवाब, तो उन्होंने ये कह दिया कि घूमते 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 एनर्जी लॉस करेगा, थकेगा, अपनी ऑर्बिट्स कम करेगा, और लास्ट में जैसे ही उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस में धम, इतने में दूसरों ने कह दिया फिर तो हम पागल हैं जो इतने टाइम से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आने वाले टाइम में सब खत्म, क्योंकि एक ना एक दिन तो इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ जाएंगे, अभी इलेक्ट्रॉन खत्म तो इलेक्ट्रॉन खत्म तो करंट खत्म, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे जो तो गए। हाँ वो अभी आगे दूसरों इन्होंने नहीं कहा था, इन्होंने तो केवल वो कह दिया कि धीरे धीरे उसमें आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये तो पता लग गया धीरे धीरे पत्ते खुलते जा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन वो क्यों मूव कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है उसके रीजन अभी जनरेट नहीं हुए थे, वो जैसे ही रीजन की बात आई तो इन्होंने बोल दिया कि उसके अंदर चला गया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह भी ये रेगुलर एनर्जी इमिट करेगा, तो कंटिन्यूअस थे जो मैच नहीं हुए थे। फिर आए थे अपने पास नील्स बोर, बोर ने आते ही ये कहा, वो ग्रेविटेशन पढ़ के आए थे भाई, यहाँ मेन बात ये थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, वो घूम ही क्यों रहा है, वो उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इन्होंने बोल दिया अट्रैक्ट होगा और धीरे धीरे उसमें कूद जाएगा, अट्रैक्ट होगा तो उसके पास चला जाएगा लास्ट में। लेकिन जैसे ही नील्स बोर आए, उन्होंने ग्रेविटेशन पढ़ रखा था, उन्होंने आते ही बोला अर्थ और मून अट्रैक्शन फोर्स होता है, आज तक तो नहीं मिले, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मास भी इतना है कि इतना अट्रैक्शन फोर्स होगा वो आज तक तो मिल जाते, क्यों नहीं मिले फिर, अट्रैक्शन फोर्स है दोनों के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ द ऑब्जेक्ट विच हैज द मास अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट, सन और मून या अर्थ मून दोनों के पास इतने अट्रैक्शन फोर्स है तो वो तो आज तक मिल जाते, अभी तक तो मिले ही नहीं है, वही अपनी अपनी ऑर्बिट पे फिक्स ऑर्बिट पे मूव कर रहे हैं, मूव मिलते हैं ना क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है, वही फिनोमिना यहाँ लगा दो, पॉजिटिव नेगेटिव है अट्रैक्शन फोर्स भी है, लेकिन मिलेंगे वहां क्यों नहीं मिलते, वहां का रीजन ये था, ये मून मतलब अर्थ ले लो, ये मून ये जाना तो दूर चाहता है, इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये अपनी ऑर्बिट से दूर जाए, लेकिन इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स मतलब मास है यहाँ, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वही इसको बॉन्ड करके रखता है, ये इधर जाता है लेकिन ये इधर खींचता है, ये इधर जाएगा ये इधर खींचेगा, ये इधर जाएगा ये इधर खींचेगा, तो इसका पाथ कैसा हो जाता है, यदि वो फोर्स नहीं होता अट्रैक्शन वाला तो वो यहाँ रुकता ही नहीं, वो तो जाने कहाँ चला जाता, वैसे ही इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स है, न्यूक्लियस के सराउंडेड इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव करेगा, वो फोर्स कम हो गया या ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, यदि वो नहीं होता अट्रैक्शन फोर्स तो वो मूव ही नहीं करता। तो इन्होंने कहा कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन आते ही इन्होंने बोल दी कि मेरी तीन बातें माननी पड़ेगी जब तुम्हें आगे पढ़ाऊ आगे स्टडी करूंगा, नहीं तो नहीं कर रहा भाई, कंडीशन रख दी, और वो कंडीशन इसलिए माननी पड़ी क्योंकि उन्हीं तीनों कंडीशंस को इन्होंने यूज लेते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी उसकी रेडियस क्या होगी ऑर्बिट की वो सब फाइंड किया था उन्हीं तीनों कंडीशंस को फॉलो करते हुए, इसलिए फिर कंडीशन माननी पड़ी क्योंकि उसके जो रिजल्ट आ रहे थे वो अप्रोक्सीमेटली करेक्ट थे, अदरवाइज तीनों बातें फेल हो जाती तो फिर मानना कोई पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ कह दिया कि ऐसा होता है मानो मैं इससे आगे रिजल्ट दूंगा, तो उन्होंने मान ली, माने तो उन्होंने रिजल्ट भी दिए। तो इन्होंने आते हैं अपने थ्री पोस्टुलेट दिए थे, थ्री पोस्टुलेट एक तो इम्पोर्टेंट है बोर्ड लेवल से वो ध्यान रखने, और इसने जो अपनी रेडियस वेलोसिटी और एनर्जी के लिए इक्वेशन फाइंड की थी वो भी ध्यान रखनी है, 3 मार्क्स में अपने बोर्ड में आ जाती है, मतलब बोर वाला पार्ट तो कंप्लीट याद रखना है ना, क्योंकि बोर के हाइपोथीसिस भी पूछी जाती है, तीनों हाइपोथीसिस, फिर बोर की ही रेडियस फाइंड की थी एंथ ऑर्बिट की वो भी याद रखें, वेलोसिटी फाइंड की थी वो भी याद रखें, और एनर्जी फाइंड की थी वो भी याद रखें, डेरिवेशंस ठीक है, ये तो पता लग ही गया कि वो मूव कर रहा है,
फिक्स्ड ऑर्बिट में इन्होंने बस इतना बोल दिया था कि फर्स्ट तो कि वो फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव करते हैं जहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं करते, फर्स्ट तो ये था। थर्ड ये था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी तभी रिलीज करेगा जब वो अपनी स्टेट चेंज करेगा, हायर टू लोअर में आए या लोअर टू हाई में जाए तभी एनर्जी चाहिए। जैसे अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में ये नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, ऊपर जाएगा तो एनर्जी गेन करके जाएगा, तो वो उसी केस में हो सकता है, अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट के केस में नहीं होता। लेकिन सेकंड ये था, इन्होंने ये सर्कुलर लिया, ये सर्कुलर ही क्यों लिया, हो सकता था वो रेक्टेंगल फॉर्म में ऐसे जाता, एलिप्स फॉर्म में जाता, इलेक्ट्रॉन मूव करता, तो जरूरी है सर्कुलर में होगा, उसका कोई तो रीजन हो। वो इलेप्टिकल भी हो सकती थी ऑर्बिट, रेक्टेंगल हो सकती थी, सिलेंड्रिकल हो सकती थी, तो इनके पास एक तो उसका रीजन नहीं था। इन्होंने डायरेक्ट यूज लिया था एल इक्वल्स टू एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम, और वो सर्कुलर के लिए ही एप्लीकेबल है। एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एल इक्वल्स टू एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई, वो सर्कुलर के लिए ही एप्लीकेबल है। तो वो क्यों यूज ली, उसका रीजन नहीं था। इन्होंने यूज ली थी, इन्होंने पहले ही बोले कि मेरी 3 बातें माननी पड़ेगी तो मानी, लेकिन उसका रीजन जो सेकंड इनकी पोस्टुलेट थी उसको बाद में डी ब्रोगली ने भी प्रूव किया है, एल इक्वल टू एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई, उसको किसने प्रूव किया, डी ब्रोगली। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक तो यहाँ तक पिक्चर क्लियर। लेकिन इनका सौभाग्य नहीं था, इन्होंने पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो इनका ये था मॉडल, वो केवल हाइड्रोजन एटम पे ही अप्लाई हुआ, अदर पे तो केवल ये एक तो इनका ड्रॉबैक्स आ जाता है, केवल ये एप्लीकेबल ओनली हाइड्रोजन एटम्स यानी कि एच प्लस जिनका एटॉमिक नंबर 1 हो उन पे ही एप्लीकेबल हुआ, अदर पे एक इनकी ऑर्बिट्स के बारे में नहीं बताया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ वैल्यू इनके पास मिला तो सही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक था जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो पीछे बाद वाला ये, उसमें लाइंस थी फाइन लाइंस, बिल्कुल पतली पतली सी लाइन, कुछ लाइंस थी फिर गैप था, फिर पतली पतली सी लाइन थी, कुछ गैप था, फिर लाइंस थी, उस फॉर्म में था, और इनका उस फॉर्म में ग्राफ फाइन नहीं हुआ था, तो वो एक वो भी ड्रॉबैक्स। फिर इसके बाद उन्हीं ग्राफ को समझाने के लिए क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या बोर्ड में ड्रॉबैक्स सब हैं, ड्रॉबैक्स क्यों नहीं है बेटा, ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, अभी एक पहले व्यू कंप्लीट हो जाए फिर स्टार्ट करेंगे एक एक चीज। फिर उसके बाद में यहाँ से तो ये कंप्लीट हो ही गया, फिर उन्हीं की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपना एक स्पेक्ट्रम जनरेट किया था, लाइमन, बामर, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फोन, उन्होंने पीफोन पी साइलेंट हो तो फोन, तो उन्होंने अपने अपने स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग अपनी अपनी वैल्यू जनरेट की। वो था रेडबर्ग फॉर्मूला, रेडबर्ग फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग वैल्यू, भाई लाइमन की बात करें तो N1 तो 1 था, N2 2 3 4 5 6 इन्फिनिट तक, वहाँ से वैल्यू पुट कर करके अलग अलग के लिए अलग अलग वैल्यू फाइंड करते हैं, तो एक वो हो जाता है। फिर उसके बाद में छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, 1-1 मार्क्स की जो डेफिनेशंस आती है, और लास्ट में डी ब्रोगली ने बोर के सेकंड पोस्टुलेट को प्रूव किया था, वो है उसी के साथ चैप्टर की एंडिंग। ज़्यादा बड़ा नहीं है, पहले रदरफोर्ड, यहाँ तक ये 2 पॉइंट तो यहीं कंप्लीट, तीसरा स्टार्ट होगा रदरफोर्ड से, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल और बोर मॉडल ही बड़ा है, क्योंकि रदरफोर्ड ने पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, फिर उस एक्सपेरिमेंट उससे उसने क्या ऑब्जर्वेशन किए, ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, फिर उनसे क्या कंक्लूजन निकले वो पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद क्योंकि व्यू याद होना चाहिए कि भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नहीं तो पता ही नहीं लगता चैप्टर में है क्या क्या। इसके बाद उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन, फिर ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद मॉडल, उन्होंने अपना एक कंक्लूजन निकालने के बाद एक मॉडल प्रिपेयर कर दिया, भाई इस टाइप्स का मॉडल होगा, भाई यहाँ यहाँ ये चार्ज होंगे, ये होंगे, वो होंगे, और लास्ट में इनके ड्रॉबैक्स।
ठीक है, ये तो पढ़ेंगे इसमें। ये पढ़ने के बाद आए थे अपने पास कौन? बोर, बोर थ्योरी, नील्स बोर। ए आर आता है, आर ही आता है, बोर, बोर ही आता है ना। और बोर ने सबसे पहले आते हैं थ्री पोस्टुलेट, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? थ्री पोस्टुलेट, फिर थ्री पोस्टुलेट के बाद एंथ ऑर्बिट में रेडियस, फिर उसी के एंथ ऑर्बिट की रेडियस के बाद एसी की वेलोसिटी, फिर एनर्जी। चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे ये बता रहा हूँ मैं केवल, और कुछ नहीं बता रहा है ना। फिर इनके एनर्जी होने के बाद ड्रॉबैक, ये बोर के थे। फिर बोर के बाद में वो तो है ही सही, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो रेडबर्ग फॉर्मूला, रेडबर्ग फॉर्मूला, और इस रेडबर्ग में पांचों तो साइंटिस्ट पढ़ेंगे इसे, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रेकेट, फुंड। फिर उसके बाद में आई वो आयनाइजेशन एनर्जी, छोटे छोटे टॉपिक हैं आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, और लास्ट में डी ब्रोगली ने जो प्रूव किया था सेकंड प्रोस, उसको डी ब्रोगली वाला। बस ये टॉपिक्स हैं, इन्हीं में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा ही है, हाँ वैसे ही एटॉमिक, इलेवेंथ क्लास में पढ़ा होगा आपने, इलेवेंथ में आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वही रेडियस के फॉर्मूले वही होंगे। तो सबसे पहला टॉपिक डाल लो अपने पास, ये दो तो एज इट इज लिख लो। थर्ड यहीं से स्टार्ट होगी, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, टॉपिक डाल ले इसमें, ये सब पढ़ेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट फिर ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन। बस ये यहीं जहाँ ये दो खत्म हो गए वहीं चैप्टर खत्म हो जाए, और मैं टाइम ही नहीं लगेगा, तो कल आज ही हो जाएगा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड वाला पार्ट यहाँ तक, तो एक दो पॉइंट तो कल नहीं तो 3 दिन मैक्सिमम, 3 डेज, और 4 डेज तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ चैप्टर को खत्म होने में लगेंगे, 3 डेज में हो जाएगा वैसे। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टॉपिक, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग देखो, अब इन्होंने क्या लिया था, थॉमसन में डेफिनेशन नहीं लिखनी, क्यों लिए ध्यान रखें कि पल्म पुडिंग प्रिंसिपल था उनका। चलो इन्होंने सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, तो अल्फा पार्टिकल का कोई ना कोई सोर्स होगा, उसी के थ्रू लाइट, मतलब अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे, तो इन्होंने लिया अल्फा पार्टिकल सोर्स, इसके अंदर ये अल्फा पार्टिकल सोर्स, और क्या लिया था अल्फा पार्टिकल सोर्स में, बी आई,
बीआई का नाम, ये अल्फा पार्टिकल सोर्स। बीआई का नाम क्या होता है? लेड, तो ये आगे था, बीआई लिया है वो, तो लेड से तो रोका था आगे, बिस्मिथ। हाँ, अल्फा पार्टिकल लिया था बिस्मिथ, यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड हुए, क्या स्ट्रेट ही होंगे क्या, इधर उधर भी होंगे ना, तो इन्होंने यहाँ पे ले ली लेड ब्रिक्स। ये लेड ब्रिक्स, लेड की प्रॉपर्टी होती है वो अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो इधर उधर जा रहे थे उनको उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचे कौन से, स्ट्रेट वाले, तो वो स्ट्रेट वाले ही आगे फॉरवर्ड होंगे, वही होंगे ना, तो इसलिए लेड ब्रिक्स। बिट हिट किट, क्या लिख रहे हो बेटा, बिट हिट किट, किटकैट की याद आ रही है, देखो है लेड ब्रिक्स। अब ये लाइट ब्रेक, यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल एक ही लाइन ड्रॉ करने का मतलब ऐसा मत समझना कि एक ही लाइन आ रही है, ये क्या है, बीम फॉर्म में आ रही है लाइट्स, ऐसे अल्फा पार्टिकल्स क्या आ रहे हैं, बीम फॉर्म में, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये क्या है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। और ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने किस पे इंसिडेंट किए, गोल्ड फॉइल पे, वो तो बात है, गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट किए, गोल्ड ही क्यों लिया, अदर क्यों नहीं ले सकते थे, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट करें, अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिया, पॉजिटिव हुआ तो उनको थोड़ी याद था कि बात पहले की यहाँ पॉजिटिव होगा, इधर उनको ये थोड़ी पता था कि अंदर भी पॉजिटिव है, यहाँ का तो वो सर्च मार रहे थे, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिया, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन या कोई अदर पार्टिकल क्यों नहीं लिया, पहली कंडीशन तो वो, दूसरी कंडीशन गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, सिल्वर क्यों नहीं ले ली, एल्यूमिनियम या कॉपर, बहुत सारे होते हैं मटेरियल, वो क्यों नहीं लिए, कुछ तो सोचा होगा, कुछ समझा होगा, सोर्स डिफ्लेक्शन गोल्ड थिन शीट, राइट, गोल्ड का तो आ गया आंसर, और अल्फा पार्टिकल का हेविली मेलेबल, हाँ वो तो हो गया, गोल्ड का तो मेलेबल प्रॉपर्टी हाईएस्ट है, अल्फा पार्टिकल लेने का रीजन स्टेबल, और अल्फा बिकॉज चीप, चमकता है, चलो कोई नहीं, जहां तक रीजन है, जो बहुत सारे रीजन होते हैं, मेन रीजन ये था कि एक तो अपन यहाँ है, इसको ब्रेक करना था, मतलब ब्रेक किसको करने थे, एटम को, उसके अंदर की स्ट्रक्चर करना था, ये इसको ब्रेक करना है, मैंने लिया एक तो 1 kg, किसी भी चीज़ को ब्रेक करना है, यहाँ पे 1 kg से इम्पैक्ट किया, और एक ला के 10 kg से इम्पैक्ट किया, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स में हेवी कौन, अल्फा सबसे हेवी पार्टिकल्स होता है, ठीक है ना, 4 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स होता है उसका, वो ज्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए उसको लिया गया, क्योंकि उसका मास लाइट था, एक तो इलेक्ट्रॉन को लाके मैं तोड़ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन इतना लाइट पार्टिकल, इधर कोई मोटा हट्टा कट्टा है तो वो तोड़ ही नहीं पा रहा है, पहले से देख देख के भग रहा है, इधर हट्टा कट्टा है उसको कहते हैं, उसको मार के आना है, और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसकी शक्ल देखते ही भग रहा है, ऐसा भी नहीं था कि उसको क्या था, मास ज्यादा था, साउंड लो कह रहा हूँ, हाई पावर पेनेट्रेशन, हाँ उसके पास पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है क्योंकि मास लार्ज है, तो ये अल्फा पार्टिकल था और गोल्ड फॉइल लेने का रीजन ये था, ये थिन शीट जो मेलेबिलिटी होती है हाईएस्ट वो किसकी होती है, गोल्ड की, तो इन्होंने ये बिल्कुल थिन शीट ली थी, लाइक एज आपकी कोई नई न्यू बुक आती है ना, तो उसके ऊपर आपने हटाई हो तो कवर के ऊपर से बिल्कुल पतली सी एक पॉलीथीन निकलती है बाई चांस, कभी कभी जब पुरानी हो जाती है तो उस पॉलीथीन की साइज का होता है, उसमें कहीं क्रेक नहीं आता बीच में, गोल्ड में क्रेक आ जाता तो अल्फा पार्टिकल वहां से निकल ही जाते, फिर स्टडी कंप्लीट नहीं होती, इसलिए इन्होंने ऐसा मटेरियल लिया था जिसकी मेलेबिलिटी हाईएस्ट थी,
बिल्कुल थिन सीट बना सकते थे, और वो थिन सीट क्या कौन कन्वर्ट होता है, अल्फा बॉन्ड, गोल्ड फॉइल। तो ये गोल्ड फॉइल थी, फॉइल का मतलब तो बिल्कुल थिन है ही सही। अब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ है, अब ये इधर आगे जाएंगे तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने एक स्क्रीन ली। भाई ऑब्जर्व भी तो होंगे, वो किधर से किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे। तो इन्होंने ये जेडेनेस स्क्रीन, जो स्क्रीन थी वो किसकी थी, जेडेनेस। अब जेडेनेस स्क्रीन का था वो चमकता हुआ रीजन, जो बोल रहा था ना अभी किसी ने लिखा था, चमकेगा चमकेगा वहां पे जेडेनेस स्क्रीन पे, क्योंकि वो दिखते तो ही नहीं अल्फा पार्टिकल किधर आ रहे हैं, कैसे पता लगेगा। तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ जा रहे थे, तो ये जेडेनेस स्क्रीन की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ जहाँ जहाँ पे भी हिट हुआ वहाँ पे एक स्पार्किंग नजर आती है, बिल्कुल हल्की हल्की सी चमकती हुई। तो जहाँ स्पार्किंग ज्यादा नजर आ रही थी वहाँ ज्यादा अल्फा पार्टिकल मूव हो रहे थे, जहाँ कम स्पार्किंग नजर आ रही थी वहाँ अल्फा पार्टिकल कम जा रहे थे। तो वो थी जेडेनेस स्क्रीन, और इसमें मेजर करने के लिए यहाँ पे एक मूवेबल डिटेक्टर लगा हुआ था जो डिटेक्ट कर रहा था, ठीक है, डिटेक्टर। अब ये तो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भाई क्या क्या लिया क्या क्या नहीं लिया वो था। अब मेन इनका रीजन देखते हैं, इन्होंने देखा क्या देखा, ये तो एक्सपेरिमेंट था इसको भी लिखेंगे, उसके बाद इन्होंने क्या देखा वो भी समझ लें। इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स कैसे जा रहे थे, स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट पाथ, मोस्ट ऑफ दी पास्ट ठीक है, ये तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल हुए स्ट्रेट। फिर सम अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड एट एन एंगल थीटा, ये इधर जा रहे थे यहां से, ये थीटा एंगल पे क्या हो गए, स्केटर्ड। लेकिन ये कितने थे, सम मतलब कुछ कम, सम अल्फा पार्टिकल पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा, कितने एंगल पे स्कैटर्ड हो गए, थीटा पे, मोस्ट सम, और 8,000 में से वन, अप्रोक्स 8,000 में से वन वापस रिट्रेस, वापस अपने पाथ को रिट्रेस करता है, वन इन 8,000 क्या कर रहा है, वापस रिटर्न बैक, रिटर्न बैक कितने में से, 8,000 एक वापस चला गया। ये प्रैक्टिकल था, ये प्रैक्टिकल में उन्होंने देखा। तो अपन लिखेंगे क्या एक बार समझना, पहले तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन, मैंने सेकंड टॉपिक लिखा था भाई क्या पढ़ेंगे, तो ऑब्जर्वेशन में यही कि सम मोस्ट सम ऑफ यू, बिल्कुल 8,000 में से वन, ठीक। एक और तीन पॉइंट तो यही है ऑब्जर्वेशन के, एक पॉइंट था नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया एन थीटा से जिसको देते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 4th पावर ऑफ साइन ऑफ हाफ ऑफ स्कैटरिंग एंगल, दैट इज मैंने बोला है एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin^4θ/2। इनका फोर्थ ऑब्जर्वेशन था, ये क्या था कि किसी एरिया में से, यूनिट एरिया में से पास होने वाली अल्फा पार्टिकल्स किसके इक्वल था, 4th पावर ऑफ साइन ऑफ हाफ ऑफ स्कैटर्ड एंगल, जो स्कैटर्ड एंगल है उसके हाफ के इक्वल था। तो
ये फोर ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, फिर उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को मिक्स करने के बाद, देखने के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले अपने, भाई ये तो ऑब्जर्वेशंस थे, फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाले भाई सीधा जा रहा है इसका मतलब इनको कोई रोकने वाला नहीं है, एक रिटर्न हो गया इसका मतलब बीच में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव था उसको रिटर्न कर रहा होगा, तो इसके भी 4-5 पॉइंट्स हैं कंक्लूजन के बाद। कंक्लूजन, फिर कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन सबको मिला के उन्होंने क्या तैयार कर दिया, मॉडल, अपना खुद का एक मॉडल दिया, वो मॉडल है, फिर मॉडल के बाद में ड्रॉबैक्स आके खत्म होगा, तो डायग्राम बना लें, फिर डायग्राम के बाद में मैं लिखाऊंगा इसकी थ्योरी, डायग्राम से रिलेटेड थ्योरी, या आप लिख सकते हो उस थ्योरी को, मैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे आ जाऊं, डायग्राम से रिलेटेड थ्योरी लिख सकते हो तो मैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे आ जाऊं। नो 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 नो, लिखवा दो, हाँ, लिखवा दो, लिख लो लिख लो लिख लो, कोई नहीं, लिखवा रहा हूँ लिखवा रहा हूँ लिखवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो 2 मिनट 5 मिनट में कुछ नहीं होगा, लिखना स्टार्ट करें, डायग्राम आपके सामने आप बनाते रहें, मैं थ्योरी लिखा देता हूँ। क्या डायग्राम बन गया, तो लिखो, मैं पहले डायग्राम से रिलेटेड थ्योरी लिख रहा हूँ ना, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन पे आएंगे। लिखो, रदरफोर्ड एंड देयर को साइंटिस्ट, रदरफोर्ड एंड देयर को साइंटिस्ट गीगर एंड मार्सडन, GEIGER, गीगर, GEIGER, गीगर एंड मार्सडन, MARSDEN, MARSDEN, मार्सडन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्फा पार्टिकल, ऑफ एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग यूजिंग थिन गोल्ड फॉइल, यूजिंग थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है, एक लाइन तो ये लिखी भाई उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जो गोल्ड फॉइल से रिलेटेड था। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में, इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट सेटअप, एक्सपेरिमेंट सेटअप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन सा था, बिस्मिथ, BI लिख लो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस BI, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 83 और एटॉमिक मास 214, लिख लें एटॉमिक नंबर नीचे तो लिख लें 83, ऊपर लिख लें 214, ऑफ एल्फा पार्टिकल सोर्स इज यूज्ड, ऑफ एल्फा पार्टिकल सोर्स इज यूज्ड, ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखें, एक एक लाइन मतलब पॉइंट्स वाइज लिख रहे हैं, ठीक है, अ लेड ब्रिक्स, लेड ब्रिक्स प्लेस्ड, अ लेड ब्रिक्स प्लेस्ड विच कन्वर्ट्स एल्फा पार्टिकल्स, कन्वर्ट्स एल्फा पार्टिकल्स इंटू बीम ऑफ एल्फा पार्टिकल्स, अ लेड ब्रिक्स प्लेस्ड
विच कन्वर्ट्स एल्फा पार्टिकल्स इनटू बीम ऑफ एल्फा पार्टिकल्स। लेट ब्रिक्स ने किसमें कन्वर्ट कर दिया उनको, बीम में। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, अ सर्कुलर ZNS स्क्रीन, अ सर्कुलर ZNS स्क्रीन इज प्लेस्ड अराउंड थिन गोल्ड फॉइल फुल स्टॉप। फिर लिखो, देयर इज अ मूवेबल डिटेक्टर मूविंग अलोंग विद ZNS स्क्रीन, नेक्स्ट लाइन में लिखो, when alpha particle beam incident on the gold foil then alpha particles scattered through gold foil with different scattering angle incident on ZNS screen through gold foil with different scattering angle in scattered angle incident on ZNS screen. फिर लिख लो नेक्स्ट लाइन में, लिख लो, दिस स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्ट बाय मूवेबल डिटेक्टर अलोंग विद ZNS स्क्रीन along with this scattered alpha particle detect by movable detector along with ZNS screen. टॉपिक डाले observations, भाई यहां तक तो एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया है, अब टॉपिक किससे रिलेटेड, ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड। और ऑब्जर्वेशन में मैं कल डायग्राम नहीं बनाऊंगा वापस, या तो अभी लिख लो, क्योंकि तीन ऑब्जर्वेशन तो सामने ही है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल कैसे पास हुए, स्केटर्ड मतलब स्ट्रेट, सम कैसे हो गए एट एन एंगल थीटा, और 8000 में से वन अ फ्यू, बिल्कुल इस 8000 में से वन कैसे हो गए, रिट्रेस हो गए अपने पाथ से। तो ये और फोर्थ एन थीटा वाला था, तो चार ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे, फोर ऑब्जर्वेशंस होंगे, तो उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है राधे राधे, तो ऑब्जर्वेशन डाल के छोड़ दें, जो पढ़ेंगे कल।